हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज जो है हम जेकेपीएससी का 2016 का क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चंस इसमें भी है, तो आज हमारा टारगेट रहेगा कि हम 50 क्वेश्चंस करें। एंड ये क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, जो कि आपकी एसएसबी क्वेश्चंस में सिलेबस में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें भी है, तो वो भी आपको हेल्प मिलेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो हम ये सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। ये पीडीएफ मुझे किसी एक लर्नर ने दिया, अगर किसी के पास और क्लियर पीडीएफ हो तो वो मुझे शेयर कर सकते हो क्लास के बाद, वो मुझे शेयर कर सकते हो क्लास के बाद। डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो गाइस, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे भी मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो। एंड गाइस, हमारी एसएसबी की क्लासेस चल रही है, यूनिट 5 हम कर रहे हैं। और जो लोग भी कोर्स में भी इनरोल होना चाहते हैं एसएसबी के लिए, तो हम साथ ही साथ एसएसबी के कोर्स के लिए जो क्रैश कोर्स शुरू किया है उसी में हम यूनिट 3 से शुरू कर रहे हैं, ताकि आपका जो SSB का यूनिट 3 और यूनिट 6 और यूनिट 4 जो आपका कवर करने को नेट के सिलेबस से मिल रहा है, वो हम इसमें उस कोर्स में कवर करेंगे। तो जो लोग भी ज्वाइन होना चाहते हो क्रैश कोर्स में, वो ज्वाइन हो सकते हो। उनके लिए SSB के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूनिट 5 हम यहाँ कर रहे हैं, तो बाकी यूनिट्स हम वहाँ पे करते रहेंगे। दोज हु वॉन्ट टू ज्वाइन, दे कैन ज्वाइन। एंड मेरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड किया। और डाउनलोड करते समय प्लीज़ कोर्सेज को भी रेट करो, और साथ ही साथ प्ले स्टोर पे भी रेटिंग दो। मैं इसी कोर्स की बात कर रही हूँ जो आपका क्रैश कोर्स है, जिसको कि आप इनरोल कर सकते हो, क्योंकि आपकी आपकी SSB सिलेबस में साइकोलॉजी है, हम वहाँ भी पढ़ेंगे साइकोलॉजी। आपकी SSB सिलेबस में रिसर्च है, हम अभी रिसर्च पढ़ने वाले, ऐसा नहीं कि बाद में पढ़ने वाले हैं, हम इसी महीने के अंदर रिसर्च, ये और सितंबर और अक्टूबर के बीच में ही हम रिसर्च साइकोलॉजी और टीचर एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो करने वाले हैं। तो जो SSB वाले लर्नर्स हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, वो अगर उनको इस इन यूनिट्स को कवर अप करना है तो। एंड यस, ऐप को डाउनलोड करते समय कोर्स को रेट करना बिल्कुल भी नहीं भूलो। तो चलो शुरू करें जल्दी से, एक थम्स अप का साइन दो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो आ जाओ। तो पहले को बहुत आसान आसान क्वेश्चन से, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन से बट अच्छे क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, द वर्ड फिलोसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम, वर्ड फिलोसफी किससे डिराइव्ड है? वेरी गुड, किससे डिराइव्ड है हमारा वर्ड फिलोसफी? ग्रीक से। द वर्ड फिलोसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, है ना। कौन सा? फिलो और सोफिया। फिलोस मतलब लव और सोफिया मतलब विजडम, लव फॉर विजडम, तो ग्रीक वर्ड से। नेक्स्ट करो, द एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पज, फिक्स पीरियड एंड प्लेस इज कॉल्ड, बिना किसी स्पेसिफिक पर्पज के, फिक्स पीरियड के और प्लेस के, उसको हम क्या कहते हैं? अब समझना, मैं सीधा हिंट दे रही हूँ, बिना किसी पर्पज के, कोई पर्पज नहीं, हम सामने कहीं चल रहे हैं या कहीं गए सीख रहे हैं, फिक्स पीरियड में थोड़ी देर के लिए सीखे हैं या किसी जगह पे सीखे हैं, तो वो कौन सा एजुकेशन है? वेरी गुड, बिल्कुल। कौन सा एजुकेशन है हमारा? इनफॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, क्योंकि फॉर्मल में तो स्पेसिफिक पर्पज होगा, है ना। इनडायरेक्ट की बात करें तो जैसे डायरेक्ट एजुकेशन हमने ना लिया, इनडायरेक्टली कुछ सीख रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट भी अगर हम बात कर रहे हैं, अगर स्कूल में भी हम इनडायरेक्ट तरीके से सीख सकते हैं, फॉर्मल में भी, तो ये होगा नहीं हमारा इंडिविजुअल एजुकेशन, होगा नहीं हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ फिलोसफी एंड एजुकेशन? पढ़ो और बताओ जल्दी से।
वेरी गुड। तो यहाँ क्या, फिलोसफी प्रोवाइड द बीम ऑफ एजुकेशन, बीम मतलब एक आधार बताता है, बिल्कुल सही बात है, फिलोसफी प्रोवाइड करता है। दूसरा है कि एजुकेशन इज द बेस्ट मीन फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ फिलोसफी, ये भी सही कि एजुकेशन एक सही मीन है हमको फिलोसफी प्रोपोगेट करना है। तो कह रहे एजुकेशन इज नॉट द डायनामिक साइड, ये एजुकेशन फिलोसफी आर द डायनामिक, एक दूसरे का डायनामिक साइड है। तो इस वजह से सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑल ग्रेट फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड हैज ऑल्सो बीन ग्रेट एजुकेशनिस्ट, ये भी सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट करेक्ट, तो इस सी वाला। नेक्स्ट करो, द फर्स्ट स्कूल ऑफ फॉर अ चाइल्ड्स एजुकेशन इज, तो वो कौन है हमारे फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड एजुकेशन, क्या है, फैमिली। कौन है, फैमिली, फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड एजुकेशन। नेक्स्ट करो, द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिवील्स ऑल द वेरियस डिवीजन ऑफ नॉलेज वेयर एज ब्रांचेज ऑफ, वेरी गुड। तो कहा सारे डिवीजन ऑफ नॉलेज को डन, डिवीजन ऑफ नॉलेज में क्या आ गया हमारा, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी, ये सारा। फिर एपिस्टेमोलॉजी के अंदर जो अलग अलग हम पढ़ते हैं तो वो सब किसके अंदर, मेटाफिजिक्स के अंदर। ऑल द वेरियस डिवीजन ऑफ नॉलेज वर एज ब्रांचेज ऑफ, है ना। अच्छा सॉरी एक मिनट, ऑल द वेरियस डिवीजन ऑफ सिर्फ नॉलेज की बात की है, पूरा नहीं बोला है। तो सिर्फ नॉलेज के लिए हमारा कौन सा है, एपिस्टेमोलॉजी। डिवीजन ऑफ नॉलेज के जितने भी डिवीजन है हम सिर्फ किस में बात करेंगे, नॉलेज की। अगर बोलता ऑल द डिवीजन ऑफ रियलिटी एंड नॉलेज एंड ऑल, तब हमारा जाता फिलोसफी के अंदर, हम ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी की बात करते हैं। पर यहाँ हमसे ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी नहीं बल्कि बोला है नॉलेज के जितने भी डिवीजन है वो कौन सी ब्रांचेज को कवर करते हैं, तो वो एपिस्टेमोलॉजी को करते हैं। नेक्स्ट करो, ऑरिजिनेटर ऑफ एपिस्टेमोलॉजी इज कौन है, तो बिल्कुल कौन है, प्लेटो। प्लेटो है ओरिजिनेटर ऑफ एपिस्टोमोलॉजी, क्योंकि जब प्लेटो की हम बात करते हैं तो प्लेटो यहाँ पर बोलते हैं कि एपिस्टोमोलॉजी की केस में कि उन्होंने ही नॉलेज से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं एंड जो डिटेल्स हैं वो किया है। ठीक है, नेक्स्ट नाउ, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। ये कौन सा है, एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी में ये मैथिक्स, एस्थेटिक्स और लॉजिक तीन टाइप पढ़ते हैं, एथिक्स, एस्थेटिक्स और लॉजिक, यहाँ क्या, एक्सियोलॉजी। नेक्स्ट करो, एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस वेयर, बिल्कुल बाइपोलर प्रोसेस, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे क्या होगा, एजुकेटर एंड एजुकेंट, जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 to 47 वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ,
वेरी गुड, एस राधा कृष्ण, डॉक्टर एस राधा कृष्ण। ये तो मुदालियर कमीशन के लिए है ना, जे एस कोठारी, हमारे कोठारी कमीशन के लिए। नेक्स्ट करो, थ्रू बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी लेड स्ट्रेस ऑन। वेरी गुड, नॉलेज एक्विजिशन और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी सब करते हैं थ्रू ग्राफ, ना कि आईसीटी। ये तीनों गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट करो, टैगोर वाज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड। इसमें चलो आंसर मार्क्ड है, ये मैंने ही, मेरे से ही मार्क हो गया ब्लू कलर से, तो यहाँ पर पोएट। नेक्स्ट करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी ऑफ स्कूल्स रिगार्ड मैन एज द सेंटर एंड मेजर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। मैन को सेंटर बोलते, रिगार्ड मैन एज द सेंटर एंड मेजर ऑफ ऑल एक्टिविटीज, कौन सा फिलोसफी में बोलते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी ऑफ स्कूल्स रिगार्डेड मैन एज द सेंटर एंड मेजर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। अब आ जाओ यहाँ पर, ऐसे तो हम किसकी बात करते हैं, प्रैग्मेटिज्म में बोलते हैं, क्योंकि वही सब कुछ है, बट यहाँ हमको ऑप्शन दिख रहा है क्या, प्रैग्मेटिज्म नहीं, तो यहाँ पे हमको रियलिज्म तो होगा नहीं, हमारा नेचुरलिज्म होगा नहीं, क्योंकि ये नेचर को बोलता है, ये मैटर को बोलता है। अब आते हैं प्रोग्रेसिविज्म और ह्यूमनिज्म में। प्रोग्रेसिविज्म प्रोग्रेशन की बात करता है, एक्सपीरियंस के थ्रू हम प्रोग्रेस करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लेके आते हैं। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा क्या, ह्यूमनिज्म, एक ही ऑप्शन बचा क्या, क्योंकि ये एक ऐसा फिलोसॉफिकल और एथिकल स्टैंड है जो हमारे इंट्रिंसिक वर्थ और ह्यूमन बींग की डिग्निटी पे बात करता है, यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर प्रैग्मेटिज्म होता तब हम बोलते हैं मैन को सेंटर माना जाता है, क्योंकि की पॉइंट हमने प्रैग्मेटिज्म में पढ़ा है, बट यहाँ क्या होगा, ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट करो, रूसो नेचुरलिज्म वाज अपोज्ड बाय। नॉलेज ऑफ द नेचर किस लिए अपोज होता है, नॉलेज ऑफ द नेचर। नेचुरलिज्म इस चीज की कि नेचर का नॉलेज, वो कहते हैं आइडिया दैट पार्ट ऑफ नेचर का पार्ट है, आइडिया ऑफ फील्ड ट्रिप्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन, घूमना फिरना, आइडिया ऑफ मीटिंग द डिमांड्स ऑफ चिल्ड्रन, ये सारा कुछ। पर नेचुरलिज्म नहीं, नॉलेज ऑफ द नेचर, इसको वो अपोज करते हैं। रूसो क्या करते हैं, इसको वो अपोज करते हैं, ये जो रूसो का जो आइडिया ऑफ नॉलेज ऑफ द नेचर है, इसको वो क्या करते हैं, अपोज करते हैं। ठीक है, क्लियर। क्यों अपोज करते हैं, तो वो इसलिए अपोज करते हैं, अगेन आ जाओ इस पॉइंट पे भी डिस्कस करते हैं, वो इसलिए अपोज करते हैं जब हम बात करते हैं रूसो की अपोज वाली, तो क्योंकि यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन तो हमको साफ साफ बोल रहा है, पहला ऑप्शन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन हमको बोल रहा है कि नेचर का आइडिया होना चाहिए, फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं। पर जो चौथा ऑप्शन है, कहते हैं आइडिया दैट द नेचुरल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट, वो बिलीव नेचर का नॉलेज नहीं, वो बिलीव करते हैं नॉलेज नहीं, कि हमको जानना है, उनको छोड़ दो, लेट देम, कुछ फिक्स नहीं कर सकते हैं, है ना, नो लॉफ्टी एम्स या नो डिटरमाइंड, पहले से कोई एम नहीं, इनको छोड़ दो, लेट देम। और ये आइडिया उससे कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, इम्पार्टिंग नॉलेज, सोशल चेयर, फॉर्मल एजुकेशन, इन सब की नॉलेज ऑफ द नेचर के बारे में नॉलेज देना, फॉर्मल बात कर रहा था, इसलिए ये गलत है। एनी पेशेंट अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट वॉज एसोसिएटेड विथ।
वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, थियोसॉफी मूवमेंट, क्योंकि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसमें कहते हैं कि स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये सोसाइटी होती है ना। विद इन थियोसॉफिकल सोसाइटी ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं एजुकेशन को प्रमोट करने में। इंडिया में बेस्ट नोन है अपनी वर्क के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी में, जहाँ पे वो क्रूशियल रोल अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी में स्टैब्लिश करने के लिए, जिसको क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जो कि क्वालिटी एजुकेशन, इन सब में इनका रोल था। स्पिरिचुअल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट्स, इसको कहते हैं थियोसॉफिकल। थियोसॉफिकल मतलब फिलोसॉफी और स्पिरिचुअल दोनों को इन्वॉल्व करके है, इसलिए तो यहाँ पे क्या थियोसॉफी मूवमेंट्स। नेक्स्ट करो, विच आर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज नॉट रिलेटेड टू महात्मा गांधी। देखो टॉलस्टॉय फार्म भी है ही, साबरमती है ही, 100 ग्राम आश्रम भी है, निर्मल हृदय ये नहीं है महात्मा गांधी से रिलेटेड। इसका मतलब है प्योर हार्ट, ठीक है। तो ये इनसे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट करो, मॉडर्न रियलिज्म इज प्रोपाउंडेड बाय। तो किसके द्वारा, जॉन डीवी, वेरी गुड, जॉन डीवी के द्वारा। नेक्स्ट करो, इन द करिकुलम ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म कौन कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। तो यहाँ क्या, बोथ बी एंड सी, टीचर ही सेंटर्ड ये तो बोलते नहीं है टीचर को, चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं करिकुलम है, क्योंकि वो चाइल्ड सेंट्रलिटी ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड की बात करते हैं, और ह्यूमनिज्म ऑक्यूपाई प्राइम पोजिशन, क्योंकि एग्जिस्टेंस इनको ही बनाना है, इसीलिए बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोग्रेसिविज्म इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ, प्रैग्मेटिज्म से ही रिलेटेड है, करो। तो प्रोग्रेसिविज्म किसका कंट्रीब्यूशन है, जॉन डेवी, ठीक है, जॉन डेवी, वेरी गुड। नेक्स्ट करो, थ्री, अब ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला वाज डिवाइज्ड बाय, सही मायने में देखा जाए तो ये है किसके द्वारा, कोठारी, पर कोठारी का ऑप्शन यहाँ पे कहीं नहीं दिया हुआ है ना, कोठारी का ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे चूंकि कटारी ने जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के लिए बोला था उसमें सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है, इन लोग का भी रोल था, केब का भी इस्टाब्लिश करने को भी बोला था, तो हम उस अकॉर्डिंग चल सकते हैं। बट अगेन इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन पता नहीं उस समय क्लेम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला ही हम जब भी बात करते हैं चाहे कितना भी कुछ हो जाए
इधर से उधर हो जाए दुनिया, तब भी हम थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला किसने बोली थी? कोठारी ने ही बोली थी, इसलिए इसको हम हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये तो बहुत आसान है, बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड माइंड बॉडी माइंड एंड स्पिरिट किसके द्वारा डिफाइंड है? वेरी गुड, महात्मा गांधी। नेक्स्ट करो, ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ, ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी किसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट किए हैं? प्लेजर एंड हैप्पी लाइफ, गुड कंडक्ट, रिलीजन या गॉड एग्जिस्टेंस? तो वो इसको करते हैं क्योंकि हेट्रोडॉक्स इसको नहीं मानते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? गॉड एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऐसे तो रियलिटी क्या है, वेदा को मानते हैं और एक वेदा को नहीं मानते, बट यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो हम इसी के साथ चलेंगे क्योंकि अल्टरनेटिवली वेदांत वाले गॉड को मानने को तैयार होते हैं। अब यहाँ एक्सेप्शन हो जाएगा सांख्या, बट फिर भी तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। नेक्स्ट करो, इन फोर नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धा वन ऑफ द ट्रूथ इज, एक ट्रूथ इसमें से क्या होगा? बहुत आसान, सीजन ऑफ सफरिंग हम जानते हैं, दुखा दुखा समुदाय, दुख निरोधा मार्ग ये होता है, तो सीजन ऑफ सफरिंग। नेक्स्ट करो, इन द टीचिंग ऑफ बुद्धा पार्ट टू लिबरेशन, अगर आपको बुद्धा पढ़ाना है तो लिबरेशन के लिए कौन सा पार्ट अपनाना होगा? टू फोल्ड, एट फोल्ड, फोर फोल्ड, टेन फोल्ड, कौन सा? वेरी गुड, कौन सा? एट फोल्ड पार्ट है ना, एट फोल्ड पार्ट जिसे हम बात करते हैं, फॉर सेल एसी, याद रखने की की पॉइंट है। नेक्स्ट, द अल्टीमेट एंड एंड ऑफ बुद्धास फिलोसफी इज, अल्टीमेट एंड क्या है बुद्धा के फिलोसफी का? निर्वाणा, रीबर्थ, कर्मा या पाथ ऑफ लिबरेशन? वेरी गुड, निर्वाणा। बुद्धास की फिलोसफी में अल्टीमेट यही है, अगर हमको मोह माया ये सबसे दूर भागना है तो निर्वाणा अटेंड करना, तो अल्टीमेट एंड निर्वाणा ही है। नेक्स्ट करो, रूसो एडवोकेटेड दैट देयर आर थ्री सोर्सेज ऑफ एजुकेशन, मेनली नेचर, नेचर मेन थिंग्स, वेयर एज रूसो प्रीफर, तीन चीज बात करा, नेचर मेन और थिंग्स, जिसमें से रूसो ने सबसे ज्यादा प्रीफर किसको दिया, प्रिफरेंस किसको दिया? वेरी गुड, नेचर को, किसको? नेचर। नेक्स्ट करो, टुडेज रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन, साबरमती आश्रम, गुरुकुल, सेवाग्राम या शांति निकेतन, किस पे बेस्ड है? वेरी गुड, शांति निकेतन में बेस्ड है, क्योंकि ये सब तो हमारे गांधी जी के हैं, गुरुकुल हमारा और भी पहले का चलता रहा, आज में शांति निकेतन है, क्योंकि ये किस पे फोकस करता है? ये पहला बात तो रविन्द्रनाथ टैगोर के यूनिक अप्रोच को फोकस करता है, पहला बात, और दूसरा हमारा यहाँ क्या, क्योंकि यहाँ लर्निंग बिल्कुल नेचुरल और होलिस्टिक इन्वायरमेंट में करने की बात हुई थी, इसीलिए इसको टूडेज रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर, टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे तो सब्जेक्ट जो वो पढ़ा रही है, सब्जेक्ट ही और सी इज टीचिंग, क्योंकि अगर सब्जेक्ट में उसके पास कमांड नहीं होगा तो टीचर बच्चों को भी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाएगी, जो टाइम अवेलेबल मिला उसमें वो टीच नहीं कर पाएगी और ना ही स्टूडेंट के क्लास के नीड को फुलफिल कर पाएगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टीचर के लिए कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रही है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है, बाकी अदर फैक्टर्स जितने भी हैं वो, अगर सब्जेक्ट मैटर का मेरा स्ट्रांग रहेगा तो वो सब हम मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट करो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ टीचिंग इज,
कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। सबसे बड़ा स्किल टीचिंग का क्या है, कंसेप्चुअल, कि बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंड करा सके, समझा सके, समझ में आ सके उनको जो हम पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट करो, द एसेंशियल रोल ऑफ द टीचर इन अ क्लासरूम इज टू, अब देखो एसेंशियल रोल क्या है, यहाँ देखो कई लोग बी बोल रहे हो, मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू लर्न, लर्न करने के लिए मोटिवेट, कभी भी रटने के लिए मोटिवेट नहीं करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देना, प्रिपेयर देम फॉर राइटिंग आंसर, बल्कि उनके अंदर कॉम्पिटेंसीज डेवलप करो, डेवलप लर्निंग कॉम्पिटेंसीज, उनके अंदर मास्टरीज डेवलप करो, किस तरीके से किसी चीज को लर्न करना है, समझना, अंडरस्टैंड करना है, ये तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट करो, लर्निंग बाई डूइंग, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन, ये टीचिंग मेथड्स है किसके, बहुत आसान है ये, यस वेरी गुड, किसके, नेचुरलिज्म के, किसके, हमारे नेचुरलिज्म के। नेक्स्ट करो, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है, तो देखो एजुकेशन, एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरीज पर्सपेक्टिव, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ एजुकेशन प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिस, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ पब्लिक इंट्यूशंस एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस अफेक्ट एजुकेशन एंड इट्स आउटकम एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का मतलब ऑल, सब होगा, कि ये हमें कैसे उसके आउटकम अफेक्ट कर रहा है ये भी जानेंगे, एप्लीकेशन भी समझेंगे एजुकेशन प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस का, और थ्योरी पर्सपेक्टिव के भी एप्लीकेशन को, तो ये होता है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट कह रहा है, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट एफ टोनी हैज टॉक्ड ऑफ टू मेजर टाइप ऑफ सोशल ग्रुप्स, वो दो मेजर टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स क्या है, यहाँ पर हमारा ये होगा, जिसमें जिमनी सैफ्ट एंड गिली सैट, ये दो मेजर कम्युनिटी या ग्रुप बोलो जो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट फ्रिडली लैंड टोनीज है, इनका नाम क्या है, फ्रिडी लैंड टोनीज, ये इसमें बात करते हैं, और ये फ्रिडी लैंड टोनीज हमारे जो हैं ये दो बोलते हैं, और ये दो ग्रुप क्या है, तो इस ग्रुप जिमनी सैफ्ट जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल, क्लोज निट एंड कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी, और ये जो जेसेली सेट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ये होता है हमारा मॉडर्न इम्पर्सनल और कंट्रैक्चुअल सोसाइटी, मतलब मॉडर्न तरीके का, पर्सनल इम्पर्सनल होगा, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिक होगा हमारे लिए, है ना, बिल्कुल अपने अपना से, बहुत ज़्यादा किसी के ये में नहीं इस तरीके का, और ये बिल्कुल ट्रेडिशनल होगा, तो ये दो तरीके के सोशल ग्रुप को वो बात करे थे, बोले थे कि एक होगा जो ट्रेडिशनल ग्रुप होगा, एक जो होगा वो मॉडर्न ग्रुप होगा। नेक्स्ट करो 43, कौन सा मॉडर्नाइजेशन के बारे में ट्रू नहीं है, अब अकॉर्डिंग टू कोठारी एजुकेशन कमीशन, तो देखो इट इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ लिमिटेशन बट अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद द एडवांस कंट्रीज, तो ठीक है, इमिटेशन का है कि मॉडर्नाइजेशन, यानी कि हम किसी को कॉपी करें बल्कि आइडेंटिफाई करना है एडवांस कंट्रीज है हमारे में क्या कमी है, तो ये ठीक है। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी इज टू बी ऑब्टेन फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर हमको मटेरियली मटेरियल प्रॉस्पर होना है तो इसलिए, ताकि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर सके, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इमर्जिंग पैटर्न में यानी करंट पैटर्न में अडॉप्ट करना, ये भी सही है, बल्कि नेक्स्ट करें एक्विजिशन ऑफ सुपरफिशियल ट्रेड, ये हमारे यहाँ गलत है कि सुपरफिशियल ट्रेड मतलब ऊपर ऊपर से हम एक्वायर कर लिए जो उनके ट्रेड्स हैं या जो भी है वो हो, तो ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है, बल्कि हमें डीप लेवल पे अच्छे से उसको समझना है, करना है ये सारा कुछ, तो यहाँ पर ये। नेक्स्ट करो, पीपल अपोज करते सोशल चेंज बिकॉज,
वेरी गुड, पीपल अपोज करते सोशल चेंज बिकॉज ऑल ऑफ द बस स्टेबिलिटी के लिए, चाहते जैसा है वैसे ही मेंटेन रहे, इसलिए भी अपोज करना चाहते हैं। इग्नोरेंस, इग्नोर कर देते हैं कई चीज़ों को, और साथ ही साथ इनएडिक्वेशन, इन्वेंशन प्रॉपर नहीं, इनएडिक्वेट इन्वेंशन से इसलिए, इसलिए यहाँ क्या ऑल ऑफ द अब। नेक्स्ट करो, द वर्ड सोशियोलॉजी सबसे पहले कहाँ पे आया था, किसके द्वारा आया था, मतलब ये तो बहुत आसान है, ऑगस्ट कॉन्टी, ये तो एजुकेशन सोशियोलॉजी है, मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी से और हार्वर्ड स्पेंसर नेचुरलिज्म के अंदर आते हैं। नेक्स्ट करो, फंक्शन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट, तो सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट से एजुकेशन का फंक्शन क्या है, एसिमिलेशन ऑफ ट्रेडिशंस, जो भी ट्रेडिशंस को आत्मसात करना, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल क्रिएट करना, न्यू सोशल पैटर्न्स को डेवलप करना, सब कुछ है, तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट करो, ह्यूमन बिहेवियर किससे डिटरमाइंड होता है, तो किससे होता है हमारा, ऑल ऑफ दी सबसे, बायोलॉजिकल भी, सोशल भी, साइकोलॉजिकल भी, तीनों से। नेक्स्ट करो, एजुकेशन इज एन और अ इंटरप्रिटेशन सोसाइटी, सोशल सब सिस्टम, मॉडिफिकेशन ऑफ द होल सिस्टम, या ऑल ऑफ दीज, एजुकेशन क्या है, वेरी गुड, तो यहाँ क्या ऑल ऑफ दिस सब है, सोसाइटी को इंटरप्रीट भी करेगा, होल सिस्टम को मॉडिफाई भी लाएगा, सोशल सब सिस्टम भी है, तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट करो, एजुकेशन सोशियोलॉजी किस में कंट्रीब्यूट करता है, तो किसमें, देखो एजुकेशन एम को फॉर्मुलेट करने में, करिकुलम डेवलप करने में, यही आपकी एसएसबी में भी था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल डिसिप्लिन में, सब में, तो यहाँ भी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 40 नंबर, तो यहाँ पे क्या करा है, इननेवरेबल स्पीचेज और राइटिंग्स की गई है लीडर्स के द्वारा, रिफॉर्मर्स आवर्स
सोसाइटी जो कि स्ट्रांगली एडवोकेट करता है यूज ऑफ एजुकेशन एज अ मीडियम ऑफ सिंगल इंस्ट्रूमेंट एंड मीडियम फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस हमारी सोसाइटी में लाने के लिए कई सारे, तो कौन कौन से ये तब तो ये पॉलिसी की बात किए थे, रेडी व्यूज में ही थे है ना, जॉन डीवी प्रैग्मेटिज्म लीडर्स जो हमारे इंडियन लीडर्स हैं इससे रिलेटेड बात करें सारे, तो राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अदर्स, ये सारे। तो यहाँ क्या होगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट करो सोशलाइजेशन का मतलब। तो कौन सा हमारा सोशलाइजेशन की जब बात करेंगे तो प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल बट कंटिन्यूअस ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वैल्यूज इन पर्सनालिटी, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्टिफिकेशन होगा वैल्यूज का किस में, पर्सनालिटी में। तो ये होता है हमारा सोशलाइजेशन, ये क्या होता है हमारा सोशलाइजेशन। नेक्स्ट करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। कौन सा है हमारा, रॉक्स एंड माउंटेन्स, ये हमारे सोशलाइजेशन का एजेंसी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो ये एंटी सोशल ट्रेनिंग नहीं दिया जाता फैमिली में, बाकी सब है हमारा, ये नहीं हो तो सी। नेक्स्ट करो, AITA स्टैंड फॉर, AITA स्टैंड्स फॉर, बिल्कुल ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन। किस चीज के लिए स्टैंड होता है, ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन के लिए है ना। चलो अब नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पहले आप अपने अपने हिसाब से आंसर खोज लो इसमें, फिर हम लोग ऑप्शन देखेंगे। तो पहले आंसर्स खोज लो किसका कौन सा होगा, और सारा पढ़ाया हुआ है वेस्टर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, संस्कृताइजेशन, ये चारों अभी आपके SSB PGT के लिए भी पढ़ाया हुआ है, तो ये आपके JKPSC वगैरह सब में देखो क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो अब आप इसको करो और बताओ। तो देखो हम सबसे पहले आते हैं संस्कृताइजेशन पे, हम जानते हैं संस्कृताइजेशन हमारा क्या मतलब होता है। संस्कृताइजेशन का मतलब है जहाँ पे क्या होता है, लोअर कास्ट या लोअर ट्राइब के जो लोग हैं वो अपने कस्टम और रिचुअल्स को दूसरी तरीके से बदलने लगते हैं ताकि वो हाई कास्ट या हाई स्टाइल में जीने लगे। तो देखो यहाँ पे एक यही ऑप्शन है D3 जो ये बात कर रहा है, D3 जो ये बात कर रहा है। अब ये कह रहा है चेंज ऑफ पोजीशन इन सोशल स्पेस, सोशल सिग्निफिकेंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। देखते हैं, ऐसा तो हमको कुछ दिख नहीं रहा तो हम चलते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा किसी में नहीं होगा है ना। फिर आते हैं हम यहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन हम क्या करते हैं दूसरे वे, देखो लिखा है वैल्यूज ऑफ वेस्टर्नर्स कंसिडरेबली अफेक्ट द ट्रेडिशनल इंडियन, ए का वेस्टर्नाइजेशन, हाई स्टाइल लिविंग, ट्रेडिशनल स्टाइल, ये सारा। तो यहाँ पर ए का 5, D3 हो चुका है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हो जाता है, हम बिल्डिंग अप, स्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज, ये सारा, और अर्बनाइजेशन में टाउन्स, डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स, ये सारा करने लगते हैं। तो देखते हैं क्या आ रहा है हमारा, ए का 5, B का 2, सी का है ना, हाँ सी का 1, D का 3। तो देखो हमारा अपने आप आंसर आ गया, ए का 5, B का 2, C का 1, D का 3। नेक्स्ट करो, ऑन स्ट्रगल एंड अर्नेस एफर्ट व्हेन अ पर्सन अचीव वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी इन हिज लाइफ इट इज कॉल्ड, जब एक पर्सन अचीव कर लेता है वर्टिकल और मोबिलिटी हो या हॉरिजॉन्टल, तो वो उसके लिए कौन सा मोबिलिटी तो होता है अगर वो बंदा अपनी लाइफ में कर रहा है तो।
वेरी गुड, तो कौन सा इंडिविजुअल मोबिलिटी, कौन सा हमारा इंडिविजुअल मोबिलिटी। नेक्स्ट करो, अ टीचर इज एक्सपेक्टेड टू नॉट टू, अ टीचर इज एक्सपेक्टेड नॉट टू, किस चीज में वो एक्सपेक्टेड नहीं होता है। माल प्रैक्टिसेस में इंडल्स होना, ये नहीं अकेडमिक ऑफ स्टूडेंट्स को जज कर सकता है हाई या बिलो या अबव लेवल, अपहोल्ड कर सकता है ट्रेडिशन एंड नॉर्म ऑफ द सोसाइटी को भी, प्ले कर सकता है रोल ऑफ फ्रेंड एंड फिलोसोफर भी, ये भी कर सकता है, बट इंडल्स इन माल प्रैक्टिसेस ये नहीं कर सकता है, माल प्रैक्टिसेस में इंडल्स हो ये नहीं कर सकता, तो इसलिए 47 का क्या होगा हमारा सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट करो, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, ये तो बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब। देखो पॉलिटिकल पावर बेसिस पे नहीं, डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू वेरियस सेक्शंस एंड ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रैंक, हाँ पॉपुलेशन बेसिस पे भी नहीं, ये भी गया। नेक्स्ट करो, साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज किस पे फोकस करता है, तो यहाँ पे देखो पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट, राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन, अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर एंड अकाउंट फॉर दिस पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डीके, एस्टैब्लिशिंग प्रोसेस एट वर्क इन सोशल सिस्टम और कल्चर पैटर्न, तो यहाँ क्या होगा ये राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन, ताकि डिस्कवर कर सके अकाउंट को फॉर दिस पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डीके, यही सोसाइक्लिकल थ्योरी देते हम देख सके राइज कब चल रहा है, उतार चढ़ाव पूरा देख रहे हैं, डिस्कवर कर सके ये पैटर्न के, इसलिए। Which one of the following is not the characteristic of Indian culture? Indian culture का characteristic कौन सा नहीं है? तो truth and non-violence तो है ही, सर्विस टू मैनकाइंड एंड सर्विस टू गॉड ये भी है, टॉलरेंस एंड म्यूचुअलिटी ये भी है, ट्रिफल्स बिहेवियर नहीं है, एक्चुअली ये कोई स्पेसिफिक बिहेवियर नहीं है, है ना, ये बिहेवियर ट्रिफल्स बिहेवियर हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे जो इंडियन कल्चर में नहीं है, ये हमारे इंडियन कल्चर में नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। ट्रिफल का मतलब टॉय विथ वेस्ट, मतलब खेलना को बर्बाद करना चीजों को, वो तो ये बिहेवियर हमारे कल्चर में नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तो चलो हमने 50 questions कर लिया, बचा हुआ एक क्लास और लेंगे तो हमारा रेस्ट questions हो जाएगा, तो हम रेस्ट क्वेश्चन करेंगे कल, अगेन हम SSB की क्लास करेंगे, SSB का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा Part 2 Unit 5 का वो करेंगे, एंड वंस मोर मैं सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ, जो भी SSB का एग्जाम आपका, चूंकि अब आपका UGC नेट का आ चुका है, तो अब मुझे उधर भी ध्यान देना है, उधर भी कंटिन्यू करना है, तो जो भी लर्नर्स UGC SSB के लिए करना चाहते हो तो वो मेरे इसी कोर्स को इनरोल कर सकते हो, इस कोर्स में आपका जो रेस्ट बच गया Unit 1, 2, 3 और जो आपका 4 है, जिसमें हम एक में आपका रिसर्च है, एक में टीचर एजुकेशन सेटर है, एक में साइकोलॉजी और एक में फिलॉसफी है, वो सारा हम इस कोर्स में ख़त्म करेंगे, तो दोज हु वांट टू इनरोल वो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो फॉर SSB ऑल्सो, हम वहीं पर सारा कुछ करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें भी इनरोल हो सकते हो, तो चलो फिर सेशन को एंड करते हैं हम, टेक केयर गाइज, हैव अ नाइस डे, और सभी को सेशन को लाइक करो, शेयर करो, अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो, एंड एस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।